अजमेर राजमार्ग पर जिले के सरेरी चौराहे पर बुधवार देर रात नकाबपोश लुटेरे एटीएम काट कर लाखों रुपए ले गए। एटीएम में करीब 10 लाख रुपए थे। वारदात को 3 से 4 जनों ने अंजाम दिया। रायरथ थाने में मामला दर्ज कराया गया है। थाना अधिकारी महावीर सिंह के अनुसार सरेरी चौराहे पर निजी कंपनी का विक्रांगी केंद्र एटीएम है। देर रात 2:45 बजे नकाबपोश 3 लुटेरे अंदर घुसे। एटीएम में अंदर घुसने के बाद उन्होंने सीसीटीवी कैमरे के तार काट दिए। उसके बाद गैस कटर से एटीएम का सेफ तोड़कर उसमें से करीब 10 लाख रुपए पार कर लिए। करीब 35 मिनट लुटेरे अंदर रहे। लुटेरे कार लेकर आए थे। माना जा रहा है कि एक व्यक्ति बाहर खड़ा होकर निगरानी कर रहा था। इसी बीच गुरुवार सुबह ग्रामीण पैसे निकालने एटीएम पर गए तो एटीएम टूटा हुआ देखकर होश उड़ गए। बड़ी संख्या में ग्रामीण वहां जमा हो गए। रायला थाना अधिकारी सिंह व गुलाबपुरा थाना अधिकारी सतीश मीणा मौके पर पहुंचे। एटीएम पर कोई चौकीदार तैनात नहीं था।